नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। वायुसेना में रहने के दौरान हुई थी बलात्कार की शिकार एरिजोना सेनेटर। वॉशिंगटन, अमेरिकी वायुसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला और एरिजोना से सांसद माथा मैक्सेली ने बुधवार को खुलासा किया कि वायुसेना में सेवारत रहने के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनका बलात्कार किया था। वायुसेना में 26 साल सेवा देने वाली 52 वर्षीय मैक्सेली ने लड़ाकू स्क्वाड्रन, सैन्य विमान और चालक दल के सदस्यों की कमान संभाली है। सेना में यौन उत्पीड़न पर सीनेट की एक उपसमिति में सुनवाई के दौरान भावुक होते हुए उन्होंने इस हादसे के बारे में बताया। मैक्सेली ने कहा, सेना में यौन उत्पीड़न का शिकार होने वालों में मैं भी शामिल हूं, लेकिन कई अन्य बहादुर पीड़ितों की तरह मैंने यौन उत्पीड़न की जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा, कई अन्य महिलाओं और पुरुषों की तरह मैंने उस वक्त की व्यवस्था पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा, मैंने खुद को दोषी माना, मैं शर्मिंदा और असमंजस में थी और मैंने सोचा कि मैं मजबूत हूँ, लेकिन खुद को लाचार महसूस किया। रिपब्लिकन सांसद ने कहा, अपराधियों ने अपनी ताकत का अत्यधिक दुरुपयोग किया, एक मामले में मुझे शिकार बनाया और एक वरिष्ठ अधिकारी ने मेरे साथ बलात्कार किया। मैक्सेली ने कहा कि वह इस वाक्य को लेकर कई सालों तक चुप रही, साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद उन्होंने सेना छोड़ने का फैसला किया था। उन्होंने कहा, लेकिन बाद में मेरे करियर में जैसे जैसे सेना घोटालों में घिरती रही तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं भी पीड़ित हूँ। ऐप शेयर करें।